आज आपल्या सोबत आहे मौलाना शफीक आलमगीर। मौलाना हे व्यवसायाने हकीमी करतात, त्याचबरोबर मदरसा दारुल उलूम आलमगीर येथे शिक्षकही आहे। मौलाना साहेब आपलं झिरो न्यूजमध्ये स्वागत। माझा तुम्हाला पहिला प्रश्न आहे की आज एक पेपरामध्ये वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आली आणि ह्या बातमीमध्ये असं होतं की कोर्टच्या पोराने जालना येते आणि सातारा येते आपल्या आईची निर्गुण हत्या केली। आपण आता याबाबत काय म्हणतो? दरअसल माशरे के अंदर अगर देखा जाए तो इस तरह के वाकयात हर शहर में गांव के अंदर मतलब पेश आते रहते हैं। इसकी असल वजह ये होती है कि जहां ये वाकया पेश हो रहा है, जहां पर ये ऐसी घटना हो रही है, वहां के लोगों को और वहां के समाज को ये चाहिए कि पहले वो अपने घर के अंदर अपने बच्चों की तरबियत करें। इसलिए कि आमतन ये होता है कि जिस घर के अंदर बच्चों की तरबियत नहीं होगी, औलाद की तरबियत नहीं होगी, नशे का आदि हो जाएगा। इसी तरीके से माशरे के अंदर नशावर चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं और उन चीज़ों का अगर कोई आदि होता है तो ये चीज़ें आमतन आ जाती हैं। इसलिए कि जब कोई नशा करता है या इश्कबाजी के अंदर मुब्तला होता है तो दो चीज़ें ऐसी हैं, एक नशा शराब का हो, गुटखे का हो, मावे का हो, बियर का हो, या इसी तरीके से और भी नशे वाली चीज़ें। नशे ऐसे हैं कि अगर किसी पर सवार हो जाते हैं तो ना वो अपने वालिद को वालिद समझता है, ना अपनी वालिदा को वालिदा समझता है। ये दो चीज़ें उसकी पूरी करने के लिए वो कहाँ तक भी जा सकता है। तो आमतन मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें पेश आती है, एक नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने से, दूसरी एक इश्कबाजी की वजह से, तो जहाँ तक न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा तो ये दो चीज़ें ही आमतन सामने आती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने माशरे के अंदर इसकी इसलाह करने की कोशिश करें, चाहे इसके अंदर मज़हब व मिल्लत के अतबार से हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बहुजन समाज हो, क्रिश्चन समाज हो, हर समाज को ये चाहिए कि वो अपने घर के अंदर अपनी औलाद की तरबियत करे। मौलाना माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की अशा घटना ज्यावेळेस घडतात त्यावेळेस आपण प्रत्येकजण हळहळ करतो। आपण मागे बघितलं की एका नरधामाने एका आपल्या आईची हत्या करून तिच्या शरीराचे तुकडे तुकडे केले आणि त्या तुकड्यांना त्यांनी फ्राय करून खाल्लं, अशी प्रवृत्ती आज ज्यावेळेस निर्माण होते त्यावेळेस समाजाची भूमिका काय असावी? इसमें हर समाज की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने समाज के एतबार से उनको अपने समाज की तालीम दे। जैसे दीन इस्लाम की यानी इस्लाम मज़हब के अंदर ये तालीम दी जाती है कि माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हम अपने औलाद को ये तरबियत नहीं देंगे कि माँ का क्या दर्जा है, बाप का क्या दर्जा है, अगर इसकी तालीम हर समाज अगर अपने बच्चों को देगा तो इस तरीके की जो घटना हो रही है, जैसे कि हमारे रिपोर्टर साहब ने हमको बताया, न्यूज़ चैनल वालों ने, कि कई इलाकों के अंदर ये हुआ कि उनके अम्मी को काट कर, उनकी वालिदा को काट कर, उनके पाए बनाकर खाए गए पिए गए। इसकी वजह यही है कि औलाद को वालिदैन का दर्जा नहीं बताया गया, वालिदैन को उनके उनका मर्तबा नहीं बताया गया कि अम्मी का मर्तबा क्या है, वालिदा का मर्तबा क्या है, आई का मर्तबा क्या है, इनके कदमों के नीचे इस्लाम के अंदर जन्नत बताई गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हर समाज वाले को अपनी वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का, उनको अदब व एहतराम करना सिखाना चाहिए हर मज़हब वाले ने। जब ये चीज़ होगी तो वालिदैन का कदर व कीमत होगी, उनका मर्तबा होगा, उनका मकाम होगा, तो ये चीज़ें माशरे के अंदर धीरे धीरे कम हो जाएगी। आखिरी शेवटचा प्रश्न मौलाना फार तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की आईचा दर्जा काय असावा हे सगळ्या धर्मामध्ये सांगितलेलं आहे, परंतु आपण विसरत चाललो। आणि दुसरी गोष्ट आपण आता प्रकाशाने बघितलेली आहे की धर्माचा धर्माबाबत एकीकडे फार कट्टरचा वाद दाखवले जाते आणि ज्यावेळेस आचरण ज्यावेळेस येतं, ज्यावेळेस अंमलवाला प्रश्न येतो, त्यावेळेस सगळीच धार्मिकही लोक पाठीमागं पळून जात आहेत, याविषयी आपण काय म्हणा? इसके अंदर तो मैं एक बात ये कहूँगा कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज के अंदर ये कट्टरता दिखाई जाती है कि भाई हिंदू है मुसलमान है, तो यहाँ पर बगैर कौम मिल्लत के, बग़ैर तफरीक किए हुए के, यानी ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चन ना ईसाई, इन सब चीज़ों को पीछे रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको पेट में 9 महीने रखा, हमारी तमाम तकालीफ को बर्दाश्त किया और जब हमको परवरिश की, हमें पैदा करने के बाद हमारी परवरिश की, हमको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, छोटे से बड़ा किया, तो इसके अंदर हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो माँ जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में रख कर
जन्म दिया, उसके बाद पूरी हमारी परवरिश की, हम क्या उनके साथ इस तरीके का सलूक कर सकते हैं? ये हर मज़हब के अंदर अपनी कट्टरता को बाजू रखते हुए अपनी वालिदा का, अपने वालिदैन का, अपने भाई बहन का अदब व एहतराम करना चाहिए। अगर इस तरीके से माशरे के अंदर समाज अगर इस तरीके से करता रहेगा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होगी, कोई भी अपनी वालिदा को, अपने आई को, अपने वालिदैन के साथ इस तरीके के सलूक करेगा। तो मैं बस एक गुजारिश करता हूँ हर माशरे से, हर मज़हब वाले से, कि वो अपने वालिदा का, अपने वालिद का, अपने भाई बहन का अदब व एहतराम करे, और खुदा रहा इसी ऐसे माशरे के अंदर हादसात ना हो, इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। और इस पैगाम, ये एक पैगाम देता हूँ पूरे हिंदुस्तान देशवासियों को और पूरे मुल्क वालों को, पूरे आलम के लिए, कि वो अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करे, इसलिए कि अल्लाह ने वालिदैन के ज़रिए से हमें दुनिया में वजूद बख्शा और आखिरत के अंदर भी हमारी इन्हीं की वजह से नजात होगी। आपला सोबत मौलाना शफीक साहेब आणि त्यांनी चांगल्या पद्धतीने आपल्याला सांगितलेलं आहे की तरबियत म्हणजे संस्कार केले पाहिजे, संस्कार हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे। आणि आजकाल आपण लहान मुलांवर संस्कार करण्याचं विसरलो, मुलांचे नको ते लाड पुरवत आहे, आणि जे आपली पालकांचं जे कर्तव्य आहे संस्कार ते देण्यात आपण कुठंतरी कमी पडतोय। त्याबरोबर मौलानाने सांगितलं की नशेखोरी ही सर्वात जास्त प्रभावी आजकाल ठरते, याच्यावरही सर्वांनीच विचार करायला पाहिजे की आपण जर बघितलं की गुटखा आणायला सुद्धा आपण आपल्याला लहान पोरांना पाठवतो, इथून आपण वाचलं पाहिजे। जर पालकांनीच ही जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने केली तर लहान मुलावर ते परिणाम होणार नाही, आणि येणाऱ्या काळात जर आज आपण सावध झालो नाही तर उद्या आपल्याही घरात मडी पडतील, हे लक्षात